हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी 12 प्लस फ़ोन है, तो रियलमी 12 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स वगैरह को बंद कैसे कर सकते हैं, और अलार्म्स को कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स को कैसे अपने फ़ोन में ऑफ कर सकते हैं या फिर कैसे बंद कर पाएंगे रियलमी 12 प्लस फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि अलार्म्स को बंद कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स को ऑफ कर सकते हैं रियलमी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि अलार्म्स को ऑफ कैसे करें रियलमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी फ़ोन के आइकन्स हैं तो देखते हैं शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको जाना है स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाएंगे, इसका आप यूज़ करके अपने फ़ोन में अलार्म्स वगैरह लगा सकते हैं। सिंपली सेटिंग्स शो हो रही है, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाकर अलार्म साउंड को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। सिंपली साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाना, अलार्म्स को ऑफ करना है, तो यहाँ से म्यूट कर सकते हैं अलार्म्स को, अलार्म म्यूट हो जाएगा। और यहाँ से आप अलार्म्स को भी ऑफ कर सकते हैं, बस यहाँ पर नॉन ऑप्शन आता है तो आपको नॉन ऑप्शन पे क्लिक कर देना, जिससे अलार्म आपके फ़ोन में बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से भी अलार्म्स को आप ऑफ कर सकते हैं अपने रियलमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, नहीं तो आपको क्लॉक अलार्म पे जाना होगा, जहाँ से क्लॉक टाइमिंग को आप चेंज करके अलार्म्स को बंद कर पाएंगे अपने फ़ोन में। देख सकते हैं कि यहाँ से भी अलार्म्स को ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से ऑफ कर देंगे तो अलार्म टाइमिंग आपके फ़ोन में ऑफ हो जाएगा और बंद हो जाएगा, टाइमिंग भी शो नहीं करेगा। और आप किसी भी अलार्म टाइमिंग को डिलीट भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके, इस तरीके से डिलीट भी हो जाता है। तो इस तरीके से अलार्म्स को आप बंद कर पाएंगे रियलमी 12 प्लस फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो